अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अगर किसी को शुगर, कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है या कोई भी एक मसला है तो आज हम आपको दो ऐसे अहम मिनरल्स के बारे में बताएंगे कि आप इनको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें और इनका फ़ायदा उठाइए। इसके बारे में तफसील से बात करते हैं, लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। व्यूवर्स, पहला मिनरल है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सोडियम के बाद जिस्म में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मिनरल है। ये हमारे दिल, दिमाग, हड्डियों, हार्मोनल सिस्टम और डीएनए तक बनाने में बहुत अहम काम करता है। जिस्म में मैग्नीशियम की ज़रूरत पूरा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसे कुदरती कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी कहते हैं। मैग्नीशियम ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है, ये शुगर लेवल बढ़ने नहीं देता, इंसुलिन की सेंसिटिविटी सेल्स में बरकरार रखता है। रिसर्च को मैं बड़ी अहमियत देता हूँ, क्योंकि इससे बहुत सारी बातों का पता चलता है। रिसर्च के मुताबिक मैग्नीशियम लिपिड प्रोफाइल को भी बेहतर बनाता है, ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। इसी तरह अगर मैग्नीशियम की जिस्म में कमी हो जाए तो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर हम इसी रोज़ाना की ज़रूरत की बात करें तो इस मिनरल की 400 mg मर्दों को ज़रूरत होती है और 300 mg औरतों को ज़रूरत होती है। अब आपसे बात करते हैं कि किन ग़िज़ाओं में मैग्नीशियम ज़्यादा मिलता है। नट्स और हरी सब्ज़ियाँ आप रोज़ाना लिया करें। बादाम, काजू, पालक, ब्रोकली, दालें, किनवा मैग्नीशियम का बहुत अच्छा सोर्स है। पानी का एक बहुत अच्छा सोर्स अच्छे ब्रांड का मिनरल वाटर भी होता है, क्योंकि पानी में भी मिनरल 1 mg पर लीटर से 120 mg पर लीटर तक हो सकता है, तो अच्छा मिनरलाइज्ड पानी भी आपकी ज़रूरत पूरा कर सकता है। अगर आप सप्लीमेंट लेना चाहें तो मैग्नीशियम सिट्रेट, ग्लूकोनेट, लैक्टेट और सोडियम मैग्नीशियम की फॉर्म में आप ले सकते हैं। अब हम आपसे अगले मिनरल की बात करते हैं और वो है पोटेशियम। रिसर्चर्स के मुताबिक जिस्म में पोटेशियम की कमी शुगर की वजह बन सकती है। यहाँ पोटेशियम और इंसुलिन का एक दूसरे से लिंक्ड होना इस कनेक्शन की वजह हो सकता है। और आप इसको आसानी से इस तरह समझ सकते हैं कि इंसुलिन जहाँ ग्लूकोज को जिस्म के खलियों में मूव करती है, वहीं इंसुलिन का ही काम पोटेशियम को भी सेल्स के अंदर शिफ्ट करना है। अगर बॉडी में पोटेशियम की कमी हो तो इंसुलिन कम रिलीज होती है। अल्टीमेटली इंसुलिन की कमी खून में शुगर के लेवल्स को बढ़ा देती है, जिससे डायबिटीज का रिस्क मजीद बढ़ जाता है। पोटेशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत ही अहम है। पोटेशियम रगों की टेंशन को भी कम करता है। मर्दों को 3400 mg और औरतों को 2600 mg तक पोटेशियम की रोजाना जरूरत होती है, लेकिन गुर्दे के मरीजों को पोटेशियम अपने डॉक्टर से एडजस्ट करवाना पड़ता है, क्योंकि उनमें इस मिनरल का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो सकता है। अब बात करते हैं कि किन ग़िज़ाओं में आपको पोटेशियम ज़्यादा मिलेगा। केला, आलू, टमाटर, पालक, ऑरेंजेस, मशरूम और बहुत से खानों में आप अपनी पोटेशियम की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो को पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।